नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। किसान आंदोलन पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मैं किसान संगठन से आग्रह करता हूं कि वो अपना आंदोलन स्थगित करें, अगर वो बातचीत के लिए आएंगे तो सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन कोई हल नहीं निकला। अब एक बार फिर से केंद्र सरकार ने किसानों को बातचीत का ऑफर दिया। कृषि मंत्री के बयान पर राकेश टिकैत ने पलटवार किया, आंदोलन को लेकर कोरोना की बात क्यों की गई, जहां चुनाव हो रहा वहां कोरोना क्यों नहीं दिखता। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा, सरकार बिना शर्त के बात करे। देशभर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 1,45,000 से ज्यादा केस मिले हैं। 794 मरीजों की जान चली गई है। 77,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 2,900 से ज्यादा मरीज मिले हैं। 11 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। एक्टिव केस 18,000 से ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा केस गुड़गांव और फरीदाबाद में मिले। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में नाइट कर्फ्यू पर अभी फैसला नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि पीएम के सुझाव के बाद विचार जारी है, सीएम से वार्ता के बाद तय होगा प्लान। विज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है, मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, पहले की ही तरह कोविड अस्पताल बनाने के निर्देश हैं। विज ने कहा कि 11 से 14 तारीख तक वैक्सीनेशन उत्सव मनाया जाएगा। राहुल गांधी पर अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि महामारी के दौर में राजनीति करना ठीक नहीं है, राजनीति करने के और भी मुद्दे हैं। वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे। केएमपी और केजीपी को जाम करने पर पूर्व बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि 24 घंटे का जाम लंबा समय होता है, लोगों को परेशानी हो रही। सुभाष बराला ने कहा कि किसान आंदोलन काफी लंबा हो गया है, केंद्र सरकार जल्द किसानों की समस्या का समाधान करेगी, जल्द केंद्र सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच में वार्ता होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एचएसपीपी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे हैं। सीएसआर के तहत इंडियन ऑयल के द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत दिए गए रिक्शा को सीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने पौधारोपण करके ग्रीन फरीदाबाद क्लीन फरीदाबाद का संदेश दिया। प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के दौरान किस तरह फरीदाबाद को आगे बढ़ाया जा सके, इस पर उन्होंने चर्चा की। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एफएमडीए की एक बैठक की है। करीबन 2.5 घंटे तक की यह बैठक चली है, जिसमें फरीदाबाद के सुनियोजित विकास का खाका खींचा गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। शहर के कई इलाकों में हो रहे विकास कार्यों का सीएम ने जायजा लिया। बैठक में फैसला लिया गया कि एफएमडीए में टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट की नियुक्ति होगी। 30 मीटर से ऊपर सभी सड़कें एफएमडीए को ट्रांसफर होंगी। इसके विकास का काम भी एफएमडीए के ही जरिए होगा। पानी सप्लाई के नेटवर्क को लेकर भी चर्चा की गई है। 600 एमएम से ऊपर के सभी सीवरेज की व्यवस्था एफएमडीए देखेगी। एचएसपीपी और एमसीएफ से मिलकर एफएमडीए के लिए स्टाफ लिया जाएगा। लोकल बॉडी का स्टाम्प ड्यूटी का 1% एफएमडीए को मिलेगा। अगले 3 महीने में एफएमडीए का ज्यादातर काम पेपरलेस होगा। सिटी बस सर्विस का रूट तय करने के लिए जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श होगा। बैठक में अगले 20 साल तक यानी कि 2041 तक के लिए फरीदाबाद के विकास का खाका खींचा गया है, जिसमें आईएमटी में एफएमडीए का कार्यालय बनाया जा सकता है। ग्रेटर फरीदाबाद और फरीदाबाद को जोड़ने की प्राथमिकता होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मेरा फरीदाबाद से खास लगाव है, फरीदाबाद को मैं किसी भी कीमत पर पीछे नहीं रहने दूंगा। फरीदाबाद गुड़गांव से भी बड़ा शहर है। नहर पार के फरीदाबाद को मुख्य फरीदाबाद से जोड़ेंगे। केजीएम से भी जल्द फरीदाबाद की कनेक्टिविटी होगी। जेवर एयरपोर्ट से भी फरीदाबाद को जोड़ने की चर्चा हो रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि आढ़तियों ने सरकार से बातचीत करके हड़ताल में जाने का फैसला रद्द कर दिया है। किसान और आढ़ती सरकार के साथ। जेपी दलाल ने कहा कि फसल खरीद को लेकर मंडियों में पर्याप्त व्यवस्था है। पूरे देश में हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश है जहां किसानों के खाते में 100% पेमेंट सीधी जाएगी। जेपी दलाल ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष केवल राजनीति करने की भ्रांतियां फैलाता है। कांग्रेस को किसानों की नहीं सत्ता की चाह है। सरकार किसानों की बातों पर विचार करने को तैयार। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके युवा पहलवान अंशु मलिक और सोनम मलिक को ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने पर बधाई दी। सीएम ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप दोनों प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके देश और प्रदेश को गौरवान्वित करेंगे। हरियाणा में संस्कृत मॉडल स्कूल में दाखिले के लिए अभिभावक और विद्यार्थियों में भारी उत्साह है। स्कूलों में दाखिले के लिए लोग सिफारिशें लेकर मंत्रियों और विधायकों के पास पहुंच रहे हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि संस्कृत मॉडल स्कूल में दाखिला टेस्ट लेने के बाद मेरिट के आधार पर होगा। उन्होंने कहा कि इन संस्कृत विद्यालय में सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी।
हरियाणा में बढ़ रहे जल वायु प्रदूषण को लेकर के उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास जलवायु और प्रदूषण न हो इसके लिए कदम उठाना है। पेड़ लगाने के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आने वाले समय में प्रदेश के हर गांव में खाली जमीन पर पेड़ लगाने का काम किया जा रहा है। बीजेपी से घरौंडा विधायक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे हैं। उन्होंने हल्के से आए लोगों की समस्याओं को सुना। विधायक हरविंदर कल्याण ने लगभग 200 लोगों की सुनवाई की और मौके से अधिकारियों को निपटान के आदेश जारी किए। बड़रा हल्के से जेजेपी के दर्जन भर कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि विधायक नैना चौटाला के चुनाव में बहुत मदद की लेकिन अब हमारी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं। कुरुक्षेत्र में आड़तियों की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार ने आड़ती एसोसिएशन की मांग को देखते हुए पेमेंट का बीच का रास्ता निकाला है। पेमेंट सीधे किसानों के खाते में जाएगी। भवानीखेड़ा के गांव तालू में ग्रामीणों ने अपने स्तर पर लाइब्रेरी का निर्माण करवाया ताकि तालू सहित आसपास के गांव में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा मिल सके और शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। शहरों में छात्रों को समय और परिवहन सुविधाओं के कारण शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा था। इसके बाद गांव के युवाओं ने आपसी सहयोग से लाइब्रेरी बनाने की सोची और फिर किराए पर बिल्डिंग लेकर के लाइब्रेरी को बनाया गया। बल्लभगढ़ में बीटा के दो नए उत्पादों को लॉन्च करने के लिए पहुंचे सहकारिता मंत्री बनवारी लाल। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीटा का लगने वाला नया प्लांट अत्याधुनिक होगा। बनवारी लाल ने कहा कि बीटा के प्रोडक्ट में लगातार वृद्धि और बिक्री हो रही है। उन्होंने बीटा की गुणवत्ता को बनाए रखने पर भी जोर दिया। कुरुक्षेत्र में आड़तियों की हड़ताल से निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारी कर ली है। चार जगहों पर डिपो होल्डर खरीद करेंगे, इसके लिए उनको अस्थायी लाइसेंस दिए जा रहे हैं। डिपो होल्डर्स एसोसिएशन के प्रधान का कहना है कि काम उन पर जबरन थोपा जा रहा है। उनके पास लेबर नहीं है, अनुभव नहीं है, सिस्टम का भी उनको पता नहीं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक ने कहा कि यह वैकल्पिक व्यवस्था है, इसको तुरंत लागू नहीं किया जाएगा। अगर हड़ताल लंबी खिंचती है तो डिपो होल्डर से फसल की खरीद करवाई जाएगी। गुरुग्राम का सेक्टर 104 में बने जारा आवास में लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सोसाइटी बनाकर एक साल पहले ही बेच दी गई लेकिन आज तक रजिस्ट्री नहीं करवाई। लोग लगातार भटक रहे हैं लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। लोगों ने कहा कि फ्लैट को पूरी कीमत देकर के खरीदा गया लेकिन अपने ही घर में वो किराएदार बनकर रहने को मजबूर। पिछले साल जनवरी के महीने में फ्लैट के लोगों को मिल गए थे लेकिन आज तक फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि एक साल के अंदर इमारत खंडहर बन गई है। लोगों ने कहा कि इसकी शिकायत करने पर उनको डराया धमका जाता है। गुड़गांव में जारा बिल्डर ने के मैनेजर की गुंडागर्दी, इंडिया न्यूज के कैमरे में भी कैद हो गई है। लोगों की आवाज उठाने पर रिपोर्टर पर हमला कर दिया गया। रिपोर्टर का माइक छीना, कैमरा तोड़ने की कोशिश की गई। बिल्डिंग के लोगों से बात कर रहे थे रिपोर्टर दीपक शर्मा। एक साल से परेशान है जारा आवास के निवासी। आड़तियों की हड़ताल खत्म होने के ऐलान के बाद रादौर के अनाज मंडियों में खरीद का काम शुरू किया गया है। इसके चलते पिछले दो दिन से सुनसान पड़ी अनाज मंडियों में फिर से रौनक देखने को मिली। आड़तियों की हड़ताल खत्म होने के बाद किसानों ने भी राहत की सांस ली है। मंडी सुपरवाइजर ने कहा कि तीनों मंडियों में अब तक 35,000 क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है। भिवानी में विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हिमांशु सिंह ने कोर्ट परिसर में मास्क बांटे, लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। रेवाड़ी जंक्शन पर हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए। रेवाड़ी के औद्योगिक इलाके बावल, धारूहेड़ा और भिवाड़ी को कंपनियों में काम कर रहे प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के डर से पलायन करने के लिए पहुंच रहे। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि रोजाना कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। उन्हें डर है कि कहीं फिर से लॉकडाउन न लग जाए और फिर से उन्हें पहले की ही तरह हजारों मील की पैदल यात्रा न करनी पड़े। प्रदेश में मंडियों में हड़ताल पर गए आड़तियों ने हड़ताल को वापस ले लिया है। चंडीगढ़ में सरकार और आड़ती प्रतिनिधिमंडल की बैठक के बाद यह फैसला हुआ। मंडियों में एक बार फिर से काम शुरू हो गया। सरकार ने आड़तियों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांग पर केंद्र सरकार से बात करेंगे। अब किसान के खाते में डायरेक्ट पैसे जाएंगे, उससे पहले आड़ती को मैसेज आएगा किसानों के खाते में पैसे आ गए। आईएएस और एससीएस की कोचिंग के लिए अब दक्षिण हरियाणा के छात्रों को दिल्ली और चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। भिवानी के चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में छात्र सिविल सर्विस की कोचिंग ले सकेंगे। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बताया कि सिविल सेवाओं की परीक्षाओं के लिए 140 से 150 घंटे का क्रैश कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन करवाया जाएगा। इसकी फीस भी काफी कम होगी। बादली से कांग्रेस विधायक डॉक्टर कुलदीप पत ने युवाओं से नशे की लत को छोड़ने की अपील की। कहा, युवाओं में नशे की लत से बने उड़ता पंजाब की राह पर अब हरियाणा भी चल रहा। कृषि कानून को लेकर बादली विधायक ने कहा कि सरकार को किसानों की बात को सुनना चाहिए। किसान मजदूर आमजन की बजाय अंबानी और अडानी पर सरकार ध्यान दे रही है।
सिरसा में बढ़ते कोरोना के केस को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। एसडीएम और ट्रैफिक पुलिस समाजसेवी संस्थाओं की मदद से जागरूकता अभियान चलाया। मास्क न पहनने वालों के चालान काटे। एसडीएम ने कहा कि लोग कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अलग अलग टीमें बनाकर के आगे भी बाजारों में अभियान चलाया जाएगा। मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के केएमपी को जाम करने के आह्वान के बाद गुरुग्राम के फारुखनगर केएमपी से रूट को डायवर्ट कर दिया गया है। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुरुग्राम पुलिस ने वाहन चालकों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। एडवाइजरी के मुताबिक मेवात, पलवा और गुरुग्राम से पानीपत की तरफ जाने वाले वाहनों को फारुखनगर से आगे नहीं जाने दिया गया। सिरसा में उपायुक्त ने कोरोना को लेकर के स्वयंसेवी संस्थाओं की बैठक ली है। लोगों को जागरूक करने पर चर्चा हुई है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। डीसी ने कहा कि कोरोना को लेकर के सावधानी बरतने की जरूरत है। स्वयंसेवी संस्थाएं लोगों को मास्क और सैनिटाइजर के लिए जागरूक करें ताकि जिले में कोरोना का संक्रमण का फैलाव न हो। चरखी दादरी की नई सब्जी मंडी में शेड की छत न लगने से नाराज दुकानदारों ने सब्जी मंडी में प्रदर्शन किया। सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। इस दौरान दुकानदारों ने प्रशासन से एक सप्ताह के अंदर छत लगाने की मांग की। कहा कि नहीं तो वो आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। दुकानदारों ने ठेकेदार पर पुरानी शेड बेचने का आरोप लगाया। गुड़गांव में इन दिनों बिजली के बिल कई गुना बढ़कर आ रहे हैं। इससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसी डीसी से जुड़ने के बाद लोगों का लाखों में बिल आ रहा है। बिल में जो एसीडी जोड़ी गई है वो साल 2019 से लेकर के अब तक की है। लोगों का कहना है कि पहले जो बिल 5000 रुपए का आता था वो अब 1 लाख रुपए से ज्यादा आ रहा है। सीएम मनोहर लाल ने आश्वासन दिया है कि इस बारे में बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की जाएगी और ये भी विचार हो रहा है कि एसीडी लगाई गई है उसे चार्ज को किस्तों में भरा जा सके। जर्जर में किसानों ने केएमपी पर जाम लगा दिया है। अवरोधक लगाकर किसान सड़क के बीचों बीच बैठ गए हैं और किसी भी वाहन को केएमपी से गुजरने नहीं दिया गया। केएमपी को जाम किए जाने की वजह से सैकड़ों ट्रक जाम में फंस गए हैं। जाम में फंसे लोगों के लिए किसानों ने खाने की व्यवस्था की है, लंगर भी लगाया। पंचकुला में कोरोना के 312 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें से 228 मरीज पंचकुला जिले से, तो 2 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। गरोंडा के राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगे टोल बैरियर वाहनों की स्पीड में बाधा नहीं बनेंगे। पानीपत अंबाला अमृतसर हाईवे पर मल्टीलेन फ्री फ्लो टेक्निक का ट्रायल शुरू हुआ है। ट्रायल के लिए हाईवे के चिन्हित स्थानों पर आईडी रीडर्स और कैमरे लगाए गए हैं। इस तकनीक में बिना रुके वाहन पर लगे फास्टैग से ऑटोमेटिक टोल का भुगतान होगा। 2 माह से मल्टीलेन फ्री फ्लो तकनीक की टेस्टिंग हो रही है और जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल टैक्स एकत्रीकरण की अत्याधुनिक तकनीक लागू हो जाएगी। फतेहाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाने के बाद 70 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। घरौंडा में थोक व्यापारी की गोली मारने के विरोध में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया है। दुकानदारों ने दोपहर तक दुकानों को बंद रखा। सेंट्रल बैंक के सामने धरना भी दिया। लिंक रोड को जाम कर दिया। दुकानदारों ने पुलिस प्रशासन से हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की है। व्यापारियों ने शहर में सीसीटीवी कैमरे लगवाने, राइडर्स की संख्या बढ़ाने की मांग रखी। डीएसपी ने व्यापारियों को आश्वासन भी दिया। उत्तराखंड सरकार ने पानीपत डिपो की बसों पर हरिद्वार में एंट्री पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड सरकार के आदेश में कहा गया है कि हरिद्वार आने वाले सभी लोगों की कोरोना रिपोर्ट अपनी दिखानी होगी। पानीपत डिपो की कई बसें यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पर रोक दी गई हैं। पानीपत डिपो के इंचार्ज रमेश कादियान ने बताया कि प्रत्येक यात्री को कोरोना रिपोर्ट लाना अनिवार्य है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी के चलते रिपोर्ट नहीं बन पा रही। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। मोहन भागवत को कोरोना संक्रमित होने के बाद इलाज के लिए नागपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुहाना अनाज मंडी में 3 दिन की आड़तियों की हड़ताल खत्म होने के बाद गेहूं की खरीद शुरू हुई। गेहूं की आड़तियों के द्वारा खरीद शुरू होने से किसान और प्रशासन ने राहत की सांस ली। आड़तियों की हड़ताल से किसान के गेहूं खरीद नहीं होने से उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। गेहूं की कटाई अब अपने चरम पर चल रही है। किसान सीधे गेहूं को अनाज मंडी में लेकर पहुंच रहे हैं। गेहूं की खरीद का जायजा लेने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त अशोक बंसल ने अनाज मंडी गुहाना का दौरा किया है। एडीसी ने किसानों और आड़तियों को गेहूं खरीद में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आने देने का आश्वासन दिया। फतेहाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाने के बाद एक 70 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए।
परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है, परिजनों को समझाने की कोशिश की गई। घरौंडा में लूटपाट की नीयत से आए 3 हथियारबंद बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी है। घायल व्यापारी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नकाबपोश लुटेरे पिस्तौल और बर्फ तोड़ने वाले सुए को लेकर के दुकान में घुसे बदमाश, व्यापारी से नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, छानबीन शुरू की गई है। वारदात से व्यापारी वर्ग में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। व्यापारियों ने विरोध में शहर के बाजार को बंद रखने का ऐलान किया। व्यापारी को गोली मार देने के विरोध में दुकानदारों ने जीटी रोड को जाम कर दिया है। सरकार पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महाराष्ट्र में 2 दिन के लिए वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन को लागू किया है। मुंबई के बांद्रा में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सड़कें सुनसान दिखी। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं के अंतर्गत आने वाली सभी एक्टिविटी जारी रहेंगी। बिना किसी वजह के घूमने पर पाबंदी होगी। बल्लभगढ़ की राजीव कॉलोनी में जन्मदिन पर खाए केक से आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भवानीखेड़ा के गांव मंडाड़ा के खेतों में गेहूं की फसल में आग लग गई। करीब 10 एकड़ गेहूं की कटी हुई और खड़ी फसल जलकर राख हो गई। स्कूल बंद करने के फैसले के खिलाफ निजी स्कूल आरपार की लड़ाई के मूड में हैं। सोमवार को कुरुक्षेत्र में निजी स्कूल संचालक धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे। निजी स्कूल संचालकों ने आपात बैठक कर सोमवार से धरना देने के साथ साथ भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया है। स्कूल संचालकों का कहना है कि सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे। पलवल में स्थित विभिन्न अनाज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से की जा रही है। मार्केट कमेटी के सचिव नरवीर सिंह ने बताया किसानों के लिए हेल्प डेस्क बनाई गई है ताकि किसानों को फसल खरीद के दौरान कोई परेशानी न हो। प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के काम के दौरान होने वाली मौत के मामले को देखते हुए हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग ने सेंसर आधारित 2 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। ये प्रोजेक्ट रेवाड़ी और गुरुग्राम में स्थापित किए गए। इन 2 परियोजनाओं की सफलताओं को देखते हुए प्रदेश के दूसरे जिलों में भी चरणबद्ध तरीके से प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार ने पलवल में ये जानकारी दी। NH-71 पर सुबह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव को टेंट हाउस के कपड़े में लपेटकर सड़क के किनारे डाला हुआ था। आपके अपने घर में भी हो सकता है जर्म्स का खतरा। यहाँ, यहाँ और यहाँ। इसलिए नए डेटॉल वाइप्स की सुरक्षा यहाँ, यहाँ और यहाँ। प्रोटेक्ट फ्रॉम 99.9% जर्म्स। नया डेटॉल वाइप्स, जरूरत जहाँ, सुरक्षा वहाँ। पर ये दिल है कि चक रहा है उन्हीं अल्फाजों का। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। ब्रो लाइट कैसे जलेगी? ऑटोमेटिक फूल ब्रो ऑटो